Good morning, student. I am Shilpa Makriya from Adarsh Paliketan Senior Secondary School, your science teacher. Today, we are going to start our chapter 4, which is continuing to be continued. We continue to keep chapter 4. In chapter 4, we have seen the method of transfer of heat. Transfer of heat, we have seen the conduction method and convection method. Conduction and convection method. कंडक्शन मेथड इज जनरली यूज इन सॉलिड, जो कि सॉलिड में हीट ट्रांसफर करती है, ओके, एंड कन्वेक्शन मेथड जो लिक्विड में हीट ट्रांसफर होती है. इट मीन्स लिक्विड में हीट ट्रांसफर के मेथड को क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन, और सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होता है उसको कंडक्शन मेथड बोलते हैं. अब हमारा जो नेक्स्ट है जो है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. सो स्टूडेंट, ओपन टू योर बुक, पेज नंबर 42 आप ओपन कीजिए. आप सभी ने प्रीवियस क्लास में मोटरसाइकिल पढ़ा है, सबने पढ़ा है ना मोटरसाइकिल. मोटरसाइकिल में क्या होता है, मोटरसाइकिल में जो है इन समर सीजन, समर में क्या होता है, अभी हमारे यहाँ भी रेनी सीजन चल रहा है, इससे जस्ट पहले समर सीजन गया है. समर सीजन में जो वाटर प्रेजेंट होता है वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. इट मीन्स जहाँ पर वाटर है वो तो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, बट जहाँ पर ओनली सोइल है, जहाँ पर वाटर नहीं है, वहाँ पर क्या है, एयर प्रेजेंट है हर जगह. एयर जो है सनलाइट में एयर क्या होगी, वार्म होगी, गर्म होगी. गर्म एयर क्या है, आपको पता है कोई भी चीज़ अगर गर्म होती है तो वेट में लाइट हो जाती है, लाइट हो जाती है. इट मीन्स वह वार्म एयर कहाँ होगी, जाएगी ऊपर चली जाएगी. जब वार्म एयर लाइट होकर ऊपर चली जाती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, निर्वात का एरिया बन जाता है. तो जो सी एरियाज हैं, समुद्री क्षेत्र जो है, वहाँ से क्या आएंगी, कोल्ड एयर, ठंडी हवाएं, क्योंकि पानी में से आती हैं. तो इस स्पेस को फिल करने के लिए क्या है, सी ब्रीज, ठंडी हवाएं, कोल्ड एयर यहाँ पर आती है. यही कारण है कि समर सीजन के बाद में रेनी सीजन आता है. तो ये जो हवाएं समुद्र से थल की ओर आती हैं, वह लैंड एरियाज में जो आती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सी ब्रीज कहते हैं. क्या बोलेंगे इन एयर्स को, सी ब्रीज. समुद्री हवाएं इन को बोलेंगे सी ब्रीज. अब क्योंकि दिन के समय तो जो है थल जो है सनलाइट से क्या हो जाता है, लैंड एरियाज काफ़ी वार्म हो जाते हैं, बट नाइट के टाइम, रात के समय क्या होता है, जस्ट अपोजिट, क्योंकि सन तो रहता ही नहीं है, तो सन नहीं होने पर ये अपना जो लैंड एरियाज क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है. और ये जो साइकिल चलता है, ये साइकिल जस्ट अपोजिट हो जाता है, अपोजिट हो जाता है. इट मीन्स ये जो हवाएं हैं ठंडी होकर कहाँ चलने लग जाती है, समुद्रों की ओर चलने लग जाती है ठंड में, विंटर सीजन में. तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज बोलते हैं, नाइट के टाइम लैंड ब्रीज. क्लियर, देखिए बुक में एक्टिविटी 4.9 अपन ने कल देख ली थी कि कैंडल्स के पास जब अपने अपने हम हैंड्स को लाते हैं, पल्स को, हथेलियों को लाते हैं, तो जैसे ही हम कैंडल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे हैंड्स क्या हैं, काफ़ी गर्म हो जाते हैं. गर्म होने पर जैसे ही अपने हैंड्स को हम बर्न कैंडल के पास में लाते हैं तो वैसे ही हमारे हाथ क्या हैं, गर्म हो जाते हैं, और हमें क्या होता है, हॉटनेस फील होती है, गर्माहट फील होती है, और हमें ठंड नहीं लगती है. ये हमने कल देखा था. सेकेंड पैराग्राफ देखिए, द पीपल इन. हाँ जी बेटा बोलिए. मैम एक्टिविटी कितनी है, कितने नंबर है? 4.9 पेज नंबर 42 सेकंड पैराग्राफ. ओके मैम. द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज मींस समुद्री क्षेत्र के जो तटीय क्षेत्र होते हैं, कोस्टल एरियाज. समुद्री क्षेत्र जिनको बोलते हैं, समुद्र के आसपास का जो एरिया होता है,
इनको बोलते हैं कोस्टल एरियाज, एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनामोन. फिनामोन मीन्स घटना, कि वहां पर क्या होती है, एक बहुत ही दिलचस्प घटना होती है समुद्री एरियाज में. ड्यूरिंग द डे, जब दिन होता है, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर. जो लैंड है, धरती है, वो क्या गर्म होती है फास्टर, किससे जल्दी, पानी से, समुद्र से जल्दी गर्म होती है. द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइजेस अप. तो लैंड की जो एयर होती है वो क्या हो जाती है, गर्म होती है, गर्म होकर कहाँ होती है, ऊपर उठती है. लैंड बिकम हॉटर एंड राइजेस अप. द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस. और जो कूलर एयर है वह लैंड की तरफ आती है इस प्लेस को फिल करने के लिए. अब अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन. द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज. टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडो ऑफ द हाउसेस इन कोस्टल एरिया मेड ऑफ फेस द सी. और समुद्र की ठंडी हवा लेने के लिए क्या होता है, समुद्री एरियाज में, कोस्टल एरियाज में जितने भी हाउसेस बने हुए होते हैं उसमें क्या है, विंडो का जो, विंडो किस साइड बनी होती है, समुद्र की साइड जो है बनी होती है, ताकि वहाँ की उन्हें कोल्ड एयर मिल सके. एट नाइट इज एग्जैक्टली द रिवर्स. और नाइट में क्या हो जाता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है, विपरीत यह हो जाता है. द वाटर कूल डाउन मोर स्लोली देन द लैंड. सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी. तो ठंडी हवाएं कहाँ से चल जाती है, नाइट के समय समुद्र, लैंड से समुद्र की ओर चलती है. इनको क्या बोलेंगे, लैंड ब्रीज बोलेंगे. वैन वी कम आउट द सन वी फील वार्म. अब जैसे हमारे यहाँ विंटर सीजन होता है, अभी आप घर में बैठे हैं, घर में आपको गर्मी लग रही है क्या, पंखे के नीचे बैठे, नहीं, पर जैसे ही आप सनलाइट में आते हैं आपको गर्मी लगने लग जाती है ना. तो सनलाइट से हमें गर्माहट क्यों मिलती है, वार्म हमें कैसे मिलता है, देखिए. हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचस. सन की हीट, उष्मा हम तक कैसे पहुँचती है. इट कैन नॉट रीच बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन एज देयर इज अ नो मीडियम सच एज एयर इज मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन. अब हमने यहाँ पर कंडक्शन और कन्वेक्शन मेथड नहीं होती. कंडक्शन मेथड हमने देखा था किसमें होती है, सॉलिड में, और कन्वेक्शन मेथड एयर में. बट जो हमारा इन्वायरमेंट है अर्थ और स्पेस के बीच में क्या है, नो एयर एंड नो वाटर. एयर और वाटर क्या है, दोनों ही नहीं है. तो इट मीन्स यहाँ पर क्या, दोनों ही वर्क नहीं करेंगे, ना तो कंडक्शन मेथड ना ही कन्वेक्शन मेथड. तो यहाँ पर कौन से मेथड से हीट ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर होगा वो होगा रेडिएशन मेथड से, रेडिएशन मेथड, विकिरण विधि, जिससे कि बाय रेडिएशन डायरेक्ट हीट हम तक पहुँचती है. उसके लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब नो एयर वाटर एंड गैसेस, ओनली वैक्यूम में भी क्या है, एयर ट्रांसफर हो सकता है. देखिए, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन आर देयर इज नो मीडियम सच आर एयर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन अर्थ एंड द सन. फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन. द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. और हीट का रेडिएशन मेथड से ट्रांसफर होने पर किसी भी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है. इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट. व्हेन वी सिट इन द फ्रंट ऑफ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस. रूम हीटर में भी क्या है, जैसे आप रूम हीटर चलाते हैं तो पूरा कमरा गर्म हो जाता है ना, तो वैसे ही यहाँ पर भी जो है रेडिएशन के थ्रू जो हमें हीट मिलती है. अ हॉट यूटेंसिल स्किप्ड अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल डाउन इट ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन. और जैसे ही आप किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट को गैस पे से उतार के बाहर रख देते हैं, या गर्म दूध आप पीते तो आप देखते हैं थोड़ी देर बाद में क्या हो जाता है, वो अपने आप ही क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है. तो क्या रीज़न होता है कि उसकी जो हीट है, तो आपका ये वार्म मिल्क को आपने गैस से उतार के रखा, फिर आफ्टर सम टाइम ये क्या हो जाएगा, अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा. कैसे कूल हो जाएगा, कि इसकी जो हीट है वो कौन ले रहा है, एनवायरनमेंट इसकी हीट ले लेगा, और इस एनवायरनमेंट की जो है कॉलनेस इसको मिल जाएगी, और हमारा मिल्क क्या है, थोड़ी देर में अपना ठंडा हो जाता है. आवर बॉडी टू गिव अस हीट टू सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट्स बाय रेडिएशन. इसी तरीके से हमारी बॉडी जो है रेडिएशन के थ्रू हीट उसे मिलती है. ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट. सभी गर्म चीज़ें जो है हीट को जो है रेडिएट करती हैं. व्हेन दिस हीट फॉल ऑन सब ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्ट अ पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब एंड अ पार्ट में ट्रांसमिटेड. कि
जो सनलाइट का कुछ पार्ट हमारी अर्थ पे आता है, तो कुछ हमारी अर्थ उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ ट्रांसफर कर देती है, और कुछ जो है रिफ्लेक्ट करके स्पेस में भेज दिया जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। वाई आर यू एडवाइज यूज एन अम्ब्रेला वेन यू गो टू द सन। कि जब हम ज़्यादा सनलाइट होती है, रेनी सीजन भी होता है, तो उसमें अपन सनलाइट में अम्ब्रेला क्यों यूज़ करते हैं? क्यों? क्योंकि अम्ब्रेला यूज़ करने से जो सनलाइट हम तक पहुँचती है वो अम्ब्रेला के कारण क्या हो जाती है, अम्ब्रेला से टकरा कर वापस बैक हो जाती है, वापस जो है इन्वायरमेंट में चली जाती है, और हम तक क्या है, रेडिएशन के द्वारा सनलाइट नहीं पहुँच पाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काइंड ऑफ क्लॉथ वी वेयर इन समर एंड विंटर। कि हमें समर और विंटर में कौन कौन से क्लॉथ पहनने चाहिए। अभी आपको नहीं पता है, आप ऐसे क्लॉथ को चूज कर लेते हैं, बस गर्मी लगती है जिन कपड़ों में उनको आप निकाल देते हैं, जिनमें आपको ठंड लगती है वो आप पहन लेते हैं ना। तो कैसे अपन चूज करें इनको, वो देखिए क्या रीजन होता है ना। काइंड्स ऑफ, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वेयर इन काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वेयर इन समर एंड विंटर। समर एंड विंटर कि हमें किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए समर और विंटर में। यहाँ पर पहले अपन जो है एक एक्टिविटी करके देखेंगे। देखिए, यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लॉथ एंड इन विंटर वी यूजली वियर डार्क कलर्ड क्लॉथ। व्हाई इट इज सो, लेट अस फाइंड आउट। कि हमें जो है ठंड में हमेशा डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए। डार्क कलर मीन्स गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए, जो कलर डार्क होते हैं, डार्क ब्लू, डार्क पर्पल्स, डार्क ब्लैक कलर। ये हमें क्या पहनने चाहिए विंटर सीजन में। समर सीजन में हमें जस्ट सपोज इट लाइट कलर, लाइट कलर कौन सा होता है, पिंक कलर, वाइट कलर, येलो कलर, ये हमें लाइट कलर पहनने चाहिए समर सीजन में। क्या रीज़न है? तो यहाँ पर एक एक्टिविटी करके देखेंगे अपन। जो है तीन, एक कैन लेंगे, कैन में अपन वाटर बॉईल कर सकते हैं, वाटर डाल सकते हैं। एक पे अपन ब्लैकिश कलर कर देंगे, एक्टिविटी आप अभी घर पे हो करके देख सकते हो, ब्लैक कलर कर देंगे। दूसरे पे जो है डार्क, सॉरी लाइट कलर, वाइट कलर कर देंगे दोनों में, वाइट कलर एंड ब्लैक कलर। अब दोनों को आप क्या करोगे, सनलाइट में रखोगे, सेम टाइम में के लिए रखोगे दोनों को सनलाइट में। आपने 1 आवर, 2 आवर, 10 फिक्स रखो दोनों का, उसमें आपने इसको रखा। फिर आप देखेंगे 2 आवर आफ्टर या 1 आवर आफ्टर दोनों में कि किसका, कौन से वाटर का टेम्परेचर हाई होता है, ज़्यादा होता है, कौन सा ज़्यादा गर्म होता है। तो हम क्या देखेंगे कि ब्लैक कलर का हमारा कैन है उसका पानी ज़्यादा गर्म होता है, जबकि वाइट कलर का पानी कम गर्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो डार्क कलर है वह हीट का एब्जर्वेशन ज़्यादा करते हैं, हीट को ज़्यादा एब्जॉर्व करते हैं, जबकि वाइट कलर जो है लाइट कलर हीट को एब्जॉर्व कम करता है। देखिए एक्टिविटी, ट्रैक टू आइडेंटिकल टिन कैन, पेंट आउटर सरफेस इज ब्लैक एंड अदर वाइट। दोनों पे वाइट और ब्लैक कलर का अपन पेंट करेंगे। फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ईच एंड लीव देम इन मिड डे सन आफ्टर 1 आवर। मतलब दोपहर के समय जो है इन्हें हम, जब सन हमारे ऊपर होता है 12 बजे नून के टाइम, इन्हें हम धूप में रख देंगे। मेजर द टेम्परेचर वाटर इन बोथ कैन, दोनों कैन का हम टेम्परेचर मेजर करेंगे। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो विच कैन इज वाटर वार्मर, कौन से कैन का वाटर गर्म होगा? वी कैन फील डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन टू कैंस, दोनों को टच करने में हमें कितना डिफरेंस मिलता है। तो द समर एंड डार्क कलर्ड, सॉरी यही एक्टिविटी 4.1 जो है, फिल द टू कैन। एक्टिविटी 4.10, सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर, सेम टेम्परेचर, लीव द कैन इन ए रूम इन शेड, नॉट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 एंड 15 मिनट। के दोनों में, एक में गर्म पानी लेंगे, एक में ठंडा लेंगे, और उन्हें छाया में रखेंगे। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ कैन फॉल द सेम अमाउंट? डू दिस एक्टिविटी सजेस्ट द रीजन वाई मोर कम्फर्टेबल टू वियर वाइट एंड लाइट कलर क्लॉथ इन द समर एंड डार्क कलर क्लॉथ इन द विंटर। अब समझ में आ गया आपको, क्योंकि जो डार्क कलर है हीट का एब्जॉर्वेशन ज़्यादा करता है, इसलिए हमें विंटर में डार्क कलर पहनना चाहिए ताकि हमें ठंड नहीं लगे, और समर में
जो हमें लाइट कलर पहनना चाहिए ताकि हमें गर्मी कम लगे। डार्क सरफेस एब्जॉर्ब, अंडरलाइन करेंगे, डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयर फॉर वी फील कम्फर्टेबल विद डार्क कलर क्लॉथ्स इन द विंटर। ज़्यादा हीट लेते थे मीन्स हमको ठंड कम लगती है, इसलिए विंटर में डार्क कलर पहनने चाहिए। लाइट कलर क्लॉथ रिफ्लेक्टेड मोस्ट द हीट दैट फॉल ऑन देम, देयर फॉर वी फील मोर कम्फर्टेबल वियरिंग इन द समर सीजन। और इसलिए हम लाइट कलर के कपड़े कब पहन सकते हैं, समर सीजन में पहनते सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर। जैसे ही रेनी सीजन के बाद में विंटर सीजन स्टार्ट होगा, हम सभी वूलन क्लॉथ ऊनी कपड़े पहनना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या रीज़न है ऊनी कपड़े पहनने के बाद हमें ठंड नहीं लगती, नहीं लगती ना आप लोग जैसे ही स्वेटर ब्लेजर वगैरह पहन लेते हैं, तो क्या रीज़न है? तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, कि विंटर में हमें कैसे ये गर्म रखते हैं। आप सभी जानते हैं कि वूलन, वूल किससे बनी होती है, हेयर से। देखा अपने प्रीवियस चैप्टर में शीप गॉट इनके हेयर से क्या बनती है, वूल बनती है। तो वूल में जो एयर फील होती है, एयर हेयर है, और हेयर में क्या होता है आप सबको पता है स्पेस रहता है, तो स्पेस है वहाँ पर क्या है, एयर प्रेजेंट है। और एयर क्या वर्क करती है, इंसुलेटर या पोअर कंडक्टर का वर्क करती है। इट मीन्स एयर जो है बाहर की हीट को ना तो अंदर जाने देती है, ना ही अंदर की हीट को बाहर जाने देती है। तो जब आप विंटर सीजन में हम वूलन क्लॉथ को पहन लेते हैं, तो वूलन क्लॉथ क्या करती है, हमें बाहर की ठंड को हमारी बॉडी तक आने से रोकती है और हमारी बॉडी की हीट को बाहर जाने से रोकती है। इसलिए हमें गर्माहट फील होती है, और जैसे ही वूलन क्लॉथ पहन लेते हैं तो उसके बाद हमें ठंड नहीं लगती। देखिए बुक में, इन द विंटर वी यूज वूलन क्लॉथ, वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। विंटर में हम सभी इसका यूज करते हैं वूलन क्लॉथ का, और वूल क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट की। देयर इज अ ट्रैप एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर, वूल फाइबर में क्या होती है, एयर भरी हुई होती है। दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो हीट फ्रॉम द आवर बॉडी द कोल्ड सराउंडिंग सो वी फील वार्म। और जो वूल है वो हमें बाहर की ठंड से क्या कर देती है, प्रोटेक्ट करती है पुअर कंडक्टर। एडमिट जैसे कि आपने प्लास्टिक का देखा था, तो प्लास्टिक के जो कुकवेयर हैंडल वगैरह होते हैं वो गर्म नहीं होते, है ना। जो चाय बनाते हैं तो आप चाय का हैंडल गर्म होता है कि नहीं होता, क्योंकि हीट वहाँ तक पहुँचती नहीं है। तो वैसे ही ये भी क्या करती है, पुअर कंडक्टर होती है बाहर की, जो कोल्डनेस को हमारी बॉडी तक नहीं पहुँचने देती। सो वी विल फील वार्म, इससे हमें गर्माहट फील होती है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन द विंटर यूजिंग आइदर और थिक ब्लैंकेट टू थिन ब्लैंकेट जॉइन टुगेदर, वॉट वुड यू चूज द वाई, रिमेंबर देयर बी अ लेयर एयर बिटवीन इन द ब्लैंकेट। और ऐसे भी ज़्यादा ठंड होती है तो ऊपर से एक या दो ब्लैंकेट भी कंबल्स भी डाल लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें ठंड नहीं लगती है और हम हमारी जो है ठंड से बच जाते हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। किसी को कुछ पूछना है बेटा, कल मैं आपको इसके PDF सेंड कर दूंगी, फिर अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लीजा कोई दिक्कत है क्या बेटा, लीजा माइक ऑन करो अपना। ओके नो मैम। ओके बेटा।